बांका जिले में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया शुरू। जनवरी 2011 का नियोजन दिसंबर 2021 में हुआ प्रारंभ। बांका जिले के आरएम के मैदान में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया 17 दिसंबर से शुरू की गई है। यह बहाली का कार्य 6 चरणों अर्थात 22 दिसंबर तक होगा। गृह रक्षा वाहिनी के नियम 1953 के 4 के अनुसार पुरुष हो या महिला सभी को दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंकना, मेडिकल जांच से गुजरना पड़ता है। होमगार्ड के नियमानुसार रजन प्रखंड के 574 व्यक्तियों में केवल 91 लोगों को नियोजन के लिए चुना गया है। एक और जहां भारत सरकार नवयुवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रखी है, वहीं 2011 की बहाली 2021 के दिसंबर में हो रहा है। यही कारण है कि 5 मिनट में आरएम के मैदान का 5 चक्कर लगाने में कई बार पूरी की पूरी टीम दौड़ में फेल कर गई, एक भी दौड़ पूरा नहीं कर पाए। यदि बिहार सरकार 2011 होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया समय पर पूरा कर लेती तो आज लोग नियोजन का एक दशक पूरा कर लिए होते। उम्र भी जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने निष्पक्ष व सुयोग होमगार्ड बहाली हो इसके लिए छोटे बड़े दर्जनों पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को लगाया है, जिसमें मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त रवि प्रकाश, जिला कमांडर त्रिलोकी नाथ झा, ईडीएम माधव सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। गुप्त सूचना पर बेलर एसडीपीओ को मिली बड़ी सफलता, शराब से भरी बोलेरो को की जब्त। शराब कारोबारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ बेलर प्रक्षेत्र प्रेमचंद्र सिंह के नेतृत्व में चांदन पुलिस ने चांदन देवघर मुख्य सड़क मार्ग के बहंगा पुल के समीप बीती रात्रि कार्यपालक अभियंता डीआरडीए बांका का बोर्ड लगे एक बोलेरो गाड़ी से 402 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई। हालांकि अंधेरे का लाभ उठाते हुए शराब कारोबारी भागने में सफल रहे। जानकारी के अनुसार बीती रात्रि बिहार झारखंड सीमा स्थित दर्दमरा बॉर्डर के समीप देवघर की ओर से आ रही एक बोलेरो गाड़ी को एसडीपीओ प्रेमचंद्र सिंह ने तलाशी हेतु रुकने का इशारा किया। सामने एसडीपीओ प्रेमचंद्र सिंह को सामने देख कर शराब कारोबारी ने जान मारने की नीयत से बोलेरो उस पर दौड़ा दिया, जिसमें बाल बाल प्रेमचंद्र सिंह बच गया। कि एसडीपीओ ने ओवरटेकिंग कर शराब लोडेड वैन को सिलजोरी मोड़ के समीप धर दबोचा। हालांकि शराब कारोबारी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। एसडीपीओ व थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार ने पुलिस जवानों के साथ वाहन छोड़कर फरार हुए चालक व कारोबारी को काफी देर तक ढूंढने का प्रयास किया, मगर दोनों में से किसी की गिरफ्तारी करने में सफलता नहीं मिली। बोलेरो वैन में कार्यपालक अभियंता डीआरडीए बांका का बोर्ड लगा हुआ था। तलाशी के दौरान बोलेरो में रखे इंपीरियल ब्लू कंपनी की 213 बोतल, ओल्ड हैबिट कंपनी की 117 बोतल व रॉयल स्टैग कंपनी की 72 बोतल सहित 402 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई। इस संबंध में एसडीपीओ प्रेमचंद्र सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। सड़क किनारे नवजात शिशु का शव बरामद, इलाके में फैली सनसनी। इस तरह की घटना समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात। हबीबपुर थाना क्षेत्र के सड़क किनारे शिशु का शव बरामद हुआ है। नवजात शिशु का शव बरामद होने से इलाके में कई तरह की चर्चा बनी हुई है। ठंड से ठिठुरते बच्चे माँ से सवाल करता होगा, ही माँ हमसे भी बढ़कर समाज की इज्जत थी तुम्हारी, इस ठंड में ठिठुरने के लिए मुझे छोड़ दिया। हालांकि इस घटना से माँ और बच्चे का रिश्ता शर्मसार कर देने वाली बताया गया है। थाना क्षेत्र के सड़क किनारे बच्चे मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। देखते ही देखते सैकड़ों संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा हबीबपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात शिशु को अपने कब्जे में ले लिया। मौके पर पहुंचे लोगों ने बताया कि घटना पूरी तरह शर्मसार है, ऐसी घटना समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस तरह की घटना को अंकुश लगाने के लिए समाज एवं पुलिस प्रशासन सहयोग अनिवार्य होना चाहिए। इस तरह की घटना से समाज पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। हालांकि नवजात शिशु की मौत हो गई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी खुलेआम शराब की कारोबारी हो रही है। शराब को अपने घर में लाकर बेचते हैं। पुलिस शराब माफिया को पकड़ने के फिराक में गुप्त सूचना लेकर शराब माफिया के अड्डे पर पहुंचकर शराब को पकड़ लिया। रजौन थाना क्षेत्र के गजाधर यादव, पिता स्वर्गीय जामुन यादव, रूपसा गांव से 14 बोतलें 375 ml ब्लू स्टॉक के साथ ही 6 बोतल देसी लैला को पकड़ लिया। हालांकि शराब माफिया पुलिस गाड़ी को देखकर फरार हो गया। मौके पर बांका ALTF टीम के दारोगा उपेंद्र यादव अपने दल बल के साथ मौजूद थे। आज बौंसी प्रखंड के रेफरल अस्पताल में प्रथम संस्था द्वारा बाल अधिकार पर आशा कार्यकर्ताओं की कार्यशाला की गई, जिसमें बाल अधिकार व वर्तमान परिदृश्यों को ध्यान रखते हुए बच्चों के साथ हो रहे परेशानियों पर चर्चा की गई। बाल विभाग जैसी समस्याओं को लेकर जागरूक किया गया। उन्हें चाइल्ड लाइन 1098 हेल्पलाइन के बारे में बताया गया। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से स्वास्थ्य प्रबंधक मनोज कुमार, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक उद्भव कुमार एवं प्रथम संस्था के वरिष्ठ कार्यक्रम सहयोगी तुषार कदम, जिला समन्वयक पंकज कुमार और प्रखंड समन्वयक सुधांशु शेखर उपस्थित रहे। बांका, तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है। ऐसे मौसम में बीमारियों से बचे रहने की जरूरत होती है। खासकर बच्चे को निमोनिया ना हो इसके लिए खासा सतर्क रहना चाहिए। हालांकि सिर्फ सर्दी के मौसम में ही निमोनिया नहीं होता है, यह आम दिनों में भी होता है, लेकिन सर्दी के मौसम में इसके होने की संभावना ज्यादा रहती है।
इसी तरह यह बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, लेकिन बुजुर्गों और बच्चों में इसके होने की संभावना अधिक रहती है। भागलपुर में डीएपी की किल्लत होगी दूर, नवगछिया पहुंचा रिग, 1200 रुपए से अधिक बोरा लेने पर दुकानदारों पर दर्ज होगी एफआईआर। डीपी का रिग नवगछिया पहुंच गया है, यहां से प्रखंडों में इसकी आपूर्ति की जा रही है। 1200 रुपए बोरा से अधिक लेने पर दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को छापेमारी करने का निर्देश दिया है। की किल्लत को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से डीएपी की आपूर्ति कम हो रही है, जिसके कारण क्षेत्र से डीएपी की किल्लत की शिकायत मिल रही है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार दौरे के क्रम में शनिवार को बीएमपी 7 के मैदान में आयोजित जिला स्तरीय बालक बालिका खेल प्रतियोगिता 2021-22 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पठन पाठन के साथ साथ राज्य में खेलकूद के वातावरण निर्माण और खिलाड़ियों के संवर्धन एवं विकास के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। बिहार के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया, जिससे बिहार गौरवान्वित हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार और कटिहार में खेल के क्षेत्र में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। बिहार सरकार का कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण खेल कैलेंडर का निर्माण कर जिला स्तर पर खेलकूद की गतिविधियों को संचालित कर रही है। आज की जिला स्तर प्रतियोगिता उसी कड़ी का हिस्सा है। भागलपुर मौसम समाचार। कोसी सीमांचल और पूर्व बिहार में आज से और बढ़ेगी ठंड, पछुआ हवा से बढ़ेगी कनकनी। आज से मौसम का मिजाज और बदल जाएगा। पछुआ हवा के तेज रफ्तार से बहने से सुबह और शाम ठंड का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलेगा। मौसम का ये हाल कोसी सीमांचल और पूर्व बिहार की भागलपुर, बांका, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में भी दिखेगा। बिहार की विवि के मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा के चलने से ठंड बढ़ेगी। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही बारिश के आसार भी नहीं है। कोसी सीमांचल और पूर्व बिहार में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। अजय इंडियन गैस एजेंसी में करीब 5 लाख की चोरी, सीसीटीवी का डीवीआर मशीन भी ले गए चोर। भागलपुर जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेखौफ चोरों ने गैस एजेंसी में हाथ साफ किया है। चोरों ने करीब 5 लाख रुपए और सीसीटीवी के डीवीआर मशीन की चोरी के वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि नाथनगर मधुसूदन थाना क्षेत्र के कांजिया गांव स्थित अजय इंडियन गैस एजेंसी में चोरों ने काउंटर में रखे 4,50,000 रुपए, सीसीटीवी के डीवीआर मशीन और कंप्यूटर की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं गैस एजेंसी के मालिक अजय ने बताया कि वह परिवार के साथ सभी को एक शादी समारोह में भाग लेने गए, वही एजेंसी को गार्ड के भरोसे छोड़ गया था, लेकिन इस चोरी की वारदात इलाके में हड़कंप मच गई है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में जिले के वरीय पुलिस अधिकारी ने भी सभी थाना पुलिस को रात्रि में गश्ती बढ़ाने को लेकर सख्त निर्देश दिया था। ऐसे में मधुसूदन थाना पुलिस पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार मधुसूदन में लूट, छिनतई, चोरी, हत्या जैसे अपराध हो रहे हैं, लेकिन पुलिस नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। मतलब कल एक गाड़ी सेल का पैसा जो है यहीं पर था, कल मेरे ड्राइवर नहीं आने के कारण ऑफिस नहीं आ पाए थे, इसके कारण हमारा पेमेंट ऑफिस में ही था। और कल हमारे जो मैनेजर हैं उनका रिसेप्शन था, सब कोई सब रिसेप्शन में चले गए थे। एक गार्ड था जो कि हम ऑफिस में उसको रखे हुए थे, लेकिन वो गोदाम पे थे। तो मॉर्निंग में वो 4:30 बजे फ़ोन किए कि ऑफिस में चोरी हो गया है। तो फिर हम यहाँ आए तो देख रहे हैं हमारे डीवीआर और जो है कैश सब का है। कितना कैश? लगभग 4.5 लाख। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां पर शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार को गुजरात मॉडल अपनाना चाहिए। शराब पीने की वजह से 70% गरीब लोग जेल में हैं, लेकिन बड़े लोग पीते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। रात 10 बजे के बाद थोड़ी थोड़ी पीना चाहिए दवा के रूप में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुजरात मॉडल की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीकर सार्वजनिक जगह पर वैन नहीं चलाना चाहिए। दूसरे देश की भी उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि वहां पर शराबबंदी नहीं है तो क्या अपराध वहां ज्यादा हो रहा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि वह नीतीश कुमार के द्वारा किए गए विकास कार्यों से मांझी जी सहमत है, उनके साथ हैं, पर शराबबंदी को लेकर वह लगातार नीतीश कुमार को उसमें संशोधन करने के लिए अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि स्थिति यह बन गई है कि जेल में कैदियों को रखने की जगह नहीं है, अब उन्हें कैंप जेल बनवाना पड़ेगा। जीतन राम मांझी ने कहा कि जितने गरीबों को शराबबंदी के तहत जेल भेज दिए गए हैं उन्हें सरकार को मुक्त कर देना चाहिए। 70% गरीब ही जेल में बंद है, आखिर उसका परिवार कैसे चल रहा है, इस पर सरकार ने कभी नहीं सोचा। किसान के लिए नलकूपों को जब से मुखिया के अधीन किया गया है तब से किसानों की परेशानी और बढ़ गई है, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए।
महागठबंधन में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ और रहेंगे। सच्चा मित्र वही होता है जो सही बात हमेशा कहता रहे। तेजस्वी यादव द्वारा शादी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह अच्छा काम किया है, जब अंतर जातीय विवाह प्रथा को बढ़ावा मिलेगा तभी जाकर भेदभाव की प्रथा समाप्त होगी। उनका समर्थन दे रहे हैं, समर्थन देंगे तो भी हम बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग जाने न जाने हम लोग जानते हैं, एक रामायण में बात आई है कि सचिव वैद अरु मित्र जो प्रिय बोलहीं भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगही होइ नाथ। तो मित्र हम हैं, हम नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार का शासन खत्म हो, इसलिए उनको सच्ची बात हम बताते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने प्रस्ताव रख वाम दलों ने दिया समर्थन, रखी ये शर्त। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को कई मानकों पर पिछड़ा बताने के बाद विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नए सिरे से शुरू हो गई है। जदयू, राजद, कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जैसे राजनीतिक दल इसके पक्ष में अपनी राय दे चुके हैं। वाम दलों ने विशेष राज्य के मुद्दे का न सिर्फ समर्थन किया है बल्कि सिर्फ इसी एक सवाल पर बड़ा आंदोलन करने का प्रस्ताव। वाम दलों की शर्त यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना रुख साफ करें। मामला केंद्र सरकार के पाले में है, यह संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से दोस्ती कायम रखे और विशेष राज्य की मांग भी करे। तेजस्वी यादव और आश्रय का खास अंदाज लोगों को आया पसंद। पटना की सड़क पर नवदंपति ने किया ऐसा ही। के सबसे बड़े राजनीतिक घराने लालू परिवार की छोटी बहू का अंदाज बड़ी बहू ऐश्वर्या से जुदा है। तेजस्वी यादव और रेचल उर्फ राजश्री की शादी भी घर के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या की शादी से अलग अंदाज में हुई थी। बिहार रेल कर्मचारियों का काटा जाएगा एक दिन का वेतन, भारी पड़ा मनमर्जी करना। DRM ने अपने मंडल मुख्यालय कार्यालय का ही औचक निरीक्षण कर लेट लतीफी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। सुबह ठीक 10 बजे दफ्तर पहुंचकर ड्यूटी से अनुपस्थित ऐसे 48 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। पटना के मीठापुर फ्लाईओवर को लेकर आ गई बड़ी खबर, अगले साल मई तक शुरू हो जाएगा यातायात। बिहार की राजधानी पटना में फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड का जाल बिछता जा रहा है। आर ब्लॉक से दीघा के बीच बने अटल पथ, दीघा से खगौल के बीच बने एलिवेटेड फ्लाईओवर के बाद अब मीठापुर फ्लाईओवर का निर्माण जल्द पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। सब रजिस्ट्रार पर सवार था काली कमाई का जुनून छिपाने को, मुजफ्फरपुर में बनवा रहे 21 कमरों का होटल। सेवा रहते हुए करोड़ों की काली कमाई तो की ही, कमाई छिपाने के लिए अलग अलग निवेश भी किए। काली कमाई कितनी रही होगी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में 21 कमरों का एक होटल विनायक बनवा रहे हैं। पालीगंज के रामपुर नगमा में 34 करोड़ से उपकारा व न्यायालय भवन बनकर तैयार। पालीगंज उग्रवादियों पर लगाम लगाने के लिए पालीगंज के रामपुर नगमा ग्राम पंचायत के नगमा मौजा पर करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से उपकारा व व्यवहार न्यायालय का भवन बनकर तैयार हो गया है। इससे इलाके के ग्रामीणों में खुशी है। ग्रामीणों को नवनिर्मित भवन का उद्घाटन का इंतजार है। अब लोगों को 50 किलोमीटर दूर दानापुर कोर्ट एवं पटना कोर्ट में मुकदमा के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को भी मुकदमा संबंधित कार्य निपटारा करने में सहूलियत होगी और उपकारा में बंद लोगों से स्वजनों को काफी आसानी एवं कम खर्चे में मुलाकातें भी हो जाएगी। पटना हाईकोर्ट में कोरोना की तैयारियों का बिहार सरकार ने नए सिरे से मांगा ब्यौरा। न्यायाधीश एवं न्यायाधीश की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक एवं अन्य की लोकहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया। अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी। इसके पहले राज्य के अस्पतालों में उपलब्ध सुविधा, स्टाफ, डॉक्टर, दवा आदि के ब्यौरे से अदालत संतुष्ट नहीं थी। शांति और सुरक्षा को लेकर दुनिया में हो रही भारत की जय जयकार, मधुबनी में उप मुख्यमंत्री ने कही बड़ी बात। भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उप मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। कार्यकर्ताओं को सीखने की आदत डालने एवं अभियान का त्याग करने को दी नसीहत। उप मुख्यमंत्री ने शिविर के पहले सत्र में पिछले 7 वर्षों में अंत्योदय पहल विषय पर रखी अपनी बात। माँ बन बेटी का रखिए ख्याल तभी आगे बढ़िएगा, मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार ने कही बड़ी बात। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए महिलाओं से आगे आने की अपील की, कहा 22 से शुरू करेंगे अभियान, हर कमिश्नरी में जाएंगे, हर जिले की होगी समीक्षा। सीएम ने जयनगर में कमला बराज एवं तटबंध सुदृढ़ीकरण योजना का किया कार्यक्रम।